हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम अलग तरीके से मेथी मटर और उसकी रेसिपी आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने गैस पे देखिए कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और मेरा तेल अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने नया पैकेट निकाल के उसको भरा है तो उसमें थोड़ा सा तेल रह गया था तो मैंने कढ़ाई में डायरेक्ट डाल दिया है। और यहाँ देखिए मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ और मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हींग डालेंगे। हींग क्योंकि ज़रूरी है क्योंकि हम मटर का यूज इसमें कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल के तड़का लगा देंगे। और फिर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करके रखा हुआ है, उसको हम डाल के थोड़ी देर तक ऐसे ही भून लेंगे। जितना आपको तीखा रखना है उतना हरी मिर्च डालें। और फिर उसके बाद हम इसमें कटा बारीक प्याज डाल के उसको हम भून लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल के प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। मैं 500 ग्राम मेथी का यूज करूंगी और 200 ग्राम मैं इसमें मटर डालूंगी। और यहाँ में देखिए मेरा प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और इसमें अब हम मटर डाल के भून लेंगे उसको। उसको हम ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा मटर अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ देखिए मटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ धुला हुआ फ्रेश फ्रेश मेथी डाल देंगे और फिर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके पलट पलट के चला देंगे। और फिर उसको भी हम कुछ देर के लिए ढक देंगे क्योंकि मेरी मेथी एकदम फ्रेश है तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ देखिए हमारा मेथी भी एकदम सॉफ्ट मतलब पक चुका है जितना अभी पकना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें कुटा हुआ तिल और कुटी हुई मूंगफली, वो दोनों मैंने पहले ही भून लिया था। और यहाँ मैंने एक बड़े चम्मच से एक चम्मच मैंने बेसन को भी भून के उसको मैंने रखा हुआ था और उसको भी डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल के अच्छी तरह हम इसको पका लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा जो मैंने बेसन डाला है मसाले डाले हैं वो नीचे कढ़ाई में ना लगे। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे। एकदम नए तरीके से मैंने आपको मेथी की सब्जी बताई है और वाकई आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है इसको खाने में। और यहाँ देखिए हमारी मेथी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे पराठा या रोटी के साथ सर्व करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये नई रेसिपी हमारी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।